अब मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आगे आगे सर्किट दिखाएं। सर्किट में एक खास बात आपको दिखाने लगा हूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हमारा तरह मुहम्मद करम के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी किसी पेन राडो की। हम राडो की आज अनबॉक्सिंग करेंगे और उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे और उसका सर्किट भी आपको दिखाएंगे। जैसा कि मैंने अल्बुट की पंखे की वीडियो बनाई थी, उसका सर्किट दिखाया था और उसका सर्किट थोड़ा सा छोटा था। इसका सर्किट जो आम साइज होती है, बड़ा साइज होता है वैसा है, पर उसमें भी एक खास बात है। तो वीडियो को हम करने लगे स्टार्ट। ये इसका कवर और इसका फैन का डंडा आ गया हुक वाला, और ये हमारा आ गया है फैन की मोटर। ऐसी किसी फैन की मोटर है, कवर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे इसका आपको डिज़ाइन, और ये इसका डिज़ाइन है ऐसी किसी फैन का, बहुत अच्छा डिज़ाइन। अब मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा आगे आगे सर्किट दिखाएं। सर्किट में एक खास बात आपको दिखाने लगा हूँ मैं, थोड़ा ऊपर करो, जो कि एलब्रुज के पंखे में भी थी। इसके अंदर जो है ना क्लिप वाला सिस्टम नहीं है। आप देखना देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिप वाला सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट तीन तारें निकल रही हैं। अब क्लिप वाला काफ़ी लोगों को पता नहीं है क्लिप कौन सा होता है, मैं क्लिप आपको दिखा देता हूँ। जिसको कनेक्शन लीड भी बोलते हैं, ये वाला सिस्टम नहीं है, ये वाली लीड इसमें नहीं लगेगी। डायरेक्ट इसमें कनेक्शन दिए गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं ये कनेक्शन है। इसमें लीड यहाँ पर नहीं दी गई, ये डायरेक्ट सर्किट के अंदर पंखे लगे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसमें जो लीड होती है ना, कनेक्शन लीड, बार बार जल जाती है। हमारे पास एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, शायद हमने बाहर फेंक दिया है कनेक्शन लीड का, जो कनेक्शन लीड जो है ना जल जाती है, बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। हमारे पास इसका नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। बिल्कुल अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपकी खराब हुई होगी, तो लाजमी आपने आप पहचान लेंगे इस वाली की इसमें क्या खास बात है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, माशाल्लाह मोटर बिल्कुल तांबे के अंदर है, इसकी कॉपर के अंदर है। 2023 का मॉडल है ये और बहुत अच्छी क्वालिटी है। बिल्कुल 2024 का मॉडल भी आ गया, क्योंकि 2024 शुरू हुआ और 2024 का आज फाइव मंथ चल रहा है, और हमारे पास ये ओल्ड फ्रेम पड़ा हुआ है और बहुत अच्छा वजन भी इसका काफ़ी है, और सर्किट भी अच्छा है और डिज़ाइन भी आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। दूसरी बात, अगर आप इस लगाते अपने घर पर या कहीं भी ये शॉप का, तो बेवजह ये राडो का नहीं खराब नहीं होता, बेवजह खराब नहीं होता, ना इसका सर्किट डेमेज होता है। हाँ, कभी कम वोल्टेज आता है आ जाते हैं, लाइट की कभी ज़्यादा आ जाता है, तो इस वजह एक साइड सर्किट की डेमेज हो जाती है। बस कम राडो फैन का भी हर रोज बेवजह खराब नहीं होता। एसी डीसी फैन है और तकरीबन 36 या 40 वोल्ट लेता है ये पंखा, डीसी में बहुत अच्छी क्वालिटी है। एसी डीसी फैन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाली बैट जो इसकी सोलर की है, और ये वाली वायर जो इसकी लाइट की वायर है, और ये इसकी कनेक्शन की फाइन कर दी। इसी कीमत की हम बात करने लगे हैं अभी, इसकी कीमत है 6,000 रुपये, सिर्फ 6,000 रुपये। बहुत अच्छी हवा है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। कीमत ही बता दी, सर्किट भी दिखा दिया आपको, डिज़ाइन भी दिखा दिया है। आप खुद इसको घर पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये डाउन सर्किट के कनेक्शन वगैरह इसे गले हुए होते हैं। आपको क्या करना है, खाली इसे कवर लगाने, डंडा फिट करना है, लटकाना है, और पर वर लगा के फिट कर लेना है, और खाली इसके लाइट। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, कमेंट लाजमी करना, और कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।